इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की 282 बलहा विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में जो 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली महिला प्रत्याशी सरोज सोनकर मौजूद है मेरे साथ में, और इनका जो मूर्तिया थाना क्षेत्र है इसमें पहला आगमन इधर हो रहा है निशानगाड़ा साइड में। तो आइए जानते हैं इनसे क्षेत्र की समस्याओं पर कुछ बात करते हैं, और चुनाव से पहले जो मुद्दे थे बनग्राम के और तमाम ऐसे मुद्दे थे उन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। मैडम, सीआईबी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैडम, जो यहाँ पे जो आपका विधानसभा क्षेत्र है बलहा, ये 60% हिस्सा जंगल में है और यहाँ पे 5 बनग्राम है। बनग्राम वासियों की एक समस्या है, और चुनाव से पहले लगातार उनको उम्मीद रही कि मुख्यमंत्री जब आए तो कहीं ना कहीं घोषणा कर सकते थे चुनाव से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप विधायक बन गई हैं, इस बारे में क्या संदेश देंगे? मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि इस जो बनग्राम की जो समस्या है वो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के तक जा पहुँच चुकी है, और इस पर मैं खुद अब दरअसल में इस क्षेत्र की विधायक हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि जो बनग्राम में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं इस विषय पर बात करके उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने की भरपूर कोशिश करूंगी। और अभी यहां बनग्राम में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, शौचालय ना होने की वजह से। दरअसल ये क्षेत्र जो है जंगल का है, यहाँ पे जंगली बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, और बहुत सारी ऐसे केस भी हो चुके हैं, कांड भी हो चुके हैं, तो उस पर मैं बनग्राम के अफसरों से बात करके, फॉरेस्ट के अफसरों से बात करूंगी। एक बहुत बड़ी पहल होगी, अभी तक तमाम लोग विधायक हुए यहाँ पर लेकिन उन्होंने शौचालय के विषय में नहीं सोचा, और तमाम जो भी हादसे हुए लगभग सुबह के टाइम में टाइगर ने जितने भी हमले किए हैं मॉर्निंग टाइम रहा है, और शौचालय शौच करते ही समय लगभग हादसे हुए हैं। तो एक तरीके से आप इस पर जो पहल करेंगी जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। और आप जो पहला आगमन है अभी सुजौली थाना क्षेत्र में, अभी आप गई नहीं है, वो पूरा क्षेत्र लगभग एकदम बीहड़ देखेंगी। तमाम अब गन्ने का सीजन स्टार्ट होने वाला है, कई पुलियाँ टूटी हुई हैं जो किसानों को दिक्कत होगी आने के लिए, इस बारे में क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस क्षेत्र का दौरा 2012 से कंटिन्यू कर रही हूं, लेकिन विधायक होने के बाद मैं अभी सुजौली में नहीं पहुंची हूं, उसके पहले मैं कम से कम 50 बार पहुंच चुकी हूं। मुझे वो सारी समस्याओं का ध्यान है, और वो जो आपकी रोड और पुलिया की बात है, तो इस विकास को मैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री का जो विकास रथ चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उन सारी समस्याओं को अपने मेरा जो 2.5 साल का कार्यकाल है पूरा करने की कोशिश करूंगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।